ये हमने लिसाई की, लिसाई के बाद में इसको सूखने के लिए रख देते हैं, और सूखने के बाद में इसको सैंड पेपर से वो बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं, और इसके बाद में जब स्मूथ बन जाता है तो हम इस पर वाइट कोट चढ़ाते हैं। वो हमारे लिए डिजाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये बहुत साफ़ सुथरा नजर आए। इसमें वही पाउडर को हम पानी में घोलते हैं और इसको डुबो करके वापस सूखने के लिए रख देते हैं। ये वही प्रोसेस है जैसे हम दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस पर हम वाइट कोट चढ़ाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें डिजाइनिंग कैसे होती है, चलते हैं। तो ये हमारा चाक है, ये इलेक्ट्रिक चाक है। पहले हम लोग हाथ से घुमाने वाला चाक इस्तेमाल करते थे, मगर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी और उसको बैलेंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अभी ये नया चाक ईजाद किया है और ये चाक पे हम लोग इसके पैंदी का काम करते हैं। तो हम जो भी पीस जिस पे पैंदी लगानी पड़ती है वो उसको पैंदी लगाते हैं हम लोग। हमने इसका नीचे का बॉटम बना दिया है, बॉटम बनाने के बाद में इसको वापस सूखने के लिए रखते हैं। तो चाक भी जो हमारा काम होता है वो हम सुराई और ये बाउल्स की पैंदी बनाने के लिए हम चाक का इस्तेमाल करते हैं। अगर सुराई का शेप देना होगा तो वो भी हम लोग इसी चाक के ऊपर में सुराई का शेप देते हैं, और इस तरह का जो ओवल शेप में अगर हमको पैंदी बनानी होती है तो वो सब हाथ से हम लोग पैंदी बनाते हैं। इसको गीला करते हैं ताकि जो मसाला होता है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए इसके ऊपर और फायरिंग के बाद वो क्रैक ना हो, इसलिए इसको पहले गीला करते हैं। गीला करने के बाद में मसाले को इस तरह से उस पर लगा देते हैं। मोल्ड में से निकालते हैं पीस पैंदी लगाने के बाद में, उसमें खड्डे क्रैक्स मौजूद रहते हैं, उनको फिलअप करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए हम उसको वापस उसी मसाले को उस पर बार बार लगाते रहते हैं। इस तरह से हम लोग फिनिश करते हैं इस पीस को।